तमन्ना के प्लेट और लेके आए जस्ट लुकिंग लाइक अ वाह और कुछ भी नहीं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू हाय गाइस, कैसी हैं आप लोग सब? जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आप कैसे होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे एंड लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। पीछे मेरा खाला है और साथ में मेरी मम्मा है। पप्पू खाला, ये हमारी इनका निकनेम पप्पू खाला है, बट ए मत समझियो कि वैसे आपस में हम इसे पप्पू मलंग भी कहते हैं। शर्म कर, गॉड बेबी, शर्म कर लो लिशा। ये हमारी बेस्ट और फेवरेट खाला है, ऐसी खाला है, मैं कहती हूँ चार भी हूँ चलेगा। ऐसी खाला आपको किधर से मिलेंगी? इधर मैं आया हूँ और ड्राई फ्रूट खाना शुरू हो गया हूँ। मेरी दुआ थी कि ऐसी खाला दो तीन होनी चाहिए, किसी से बादाम खा लेता, किसी से अखरोट खा लेता। ये खाला को इन्होंने सील करके रखा था, बट ये हमारी दुनिया की बेस्ट खाला है। यकीन करें, इनके घर आके ना हमें सही हमारे नानी नाना वाली फीलिंग इनके ही घर आके आती है। ऐसा नहीं कि ये मैं खाने को देती हूँ, बट एक अलग ही खुशबू सी है अम्मी अबू जी की। मैंने बताया था ना, हम अपने नानी नाना को नहीं गाइड, हकीकत ये है कि ऐसा है कि मुझे तो ये खाने को नहीं। स्टार्ट हो चुका है, आप लोग रखने वाले साथ कहाँ जाते हैं, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, किस तरह से करते हैं, आपको रखेंगे साथ। तब तक आप लोग अभी से लाइक कर दे। जिंदगी कुछ भी नहीं, साइड पे ब्लॉक है तो हम फिर इस साइड को मुड़ेंगे, यानी कि हम खन्ना पुल वाली साइड ले लेंगे, क्योंकि ये सारा रोड अभी बन रहा है। जिनको पता है उनको पता होगा, एक प्यार का नगमा है, दिल मन दानी लख समझाया हो, दिल मन दानी लख समझाया, जी करे देख दारा। हाँ जी, मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आज बहुत ही प्यारा लग रहा हूँ खुद को। और जी, मैं निकल चुकी हूँ अपनी खाला, अपनी मामा और अलीशा के साथ घूमी फिरी करने, थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग और थोड़ा खापा करने के लिए। और हम जा रहे हैं पिंडी। आपको जैसा कि पता चल ही गया होगा, जो लोग पिंडी से हैं और जो इस्लामाबाद से हैं और जो पाकिस्तान से हैं और दुनिया के किसी भी कोने से जो हमें देख रहे हैं, मेरे व्लॉग को इन्जॉय करते हैं, कॉमेंट भी करते हैं और लाइक तो हमेशा ही करते हैं, उन सबको बहुत बहुत जी आया नू। एंड अपना बहुत ख्याल रखा करें, मौसम को उम्मीद है आप इंजॉय कर रहे होंगे। और जब भी आपको घूमने फिरने का मौका मिलता है तो आप बिल्कुल भी मेरी तरह पीछे नहीं हटते हो और पहुंच जाते हो जी पिंडी। हम आ गए हैं पिंडी शॉपिंग के लिए। एज यू गाइज नो कि बहुत ही जल्द क्रिसमस आने वाला है, तो हम पहुँचे हमारी खाला और मामा और अलीशा के साथ सलीम सूट्स पर, जहाँ पर हर तरह की जो है वो आपको ड्रेसेस आराम से अवेलेबल जी। कोई भी प्रमोशन नहीं है, बट मैंने कहा जब वीडियो में नजर आ ही गया है तो बता ही दिया जाए। और यहाँ पे मेरी मामा और खाला सूट डिसाइड करने में और देखने में मसरूफ़ थी, और मैं और अलीशा थोड़ा सा हो रहे थे बोर, तो हमने सोचा क्यों ना जो है हम अपनी वीडियोस बनाएं और अपनी पिक्चर्स लें और अपने मूड को एलिवेट करें, क्योंकि कैमरा खुलते ही हम जो है बड़े अच्छे मूड में हो जाते हैं। और जी अलीशा साहब आ गए हैं, उसको लगा कि मैं उसकी टिकटॉक बना रही हूँ, बट मैं तो व्लॉग ले रही थी। फिर हम लोग पहुँचे पिंडी में रिफ़्रेशमेंट कॉर्नर पर, जहाँ पर मैंने यार क्या ही कोई समोसा चाट खाई, मतलब जिंदाबाद मुबशर साहब मज़ा ही आ गया। और मम्मा जी ने और अलीशा ने जो है वो दही भले इंजॉय किए, तो मैं तो यार समोसा चाट की लवर हो गई। उसके बाद जी हम लोगों ने इसको खूब मज़े ले लेकर खाया, साथ में मैंने अपना चाट मसाला और ऐड किया, क्योंकि मुझे ज़रा तो नहीं, मुझे बहुत ही स्पाइसी जो है वो खाना पसंद होता है, चटपटा सा। साथ में पापड़ी ऐड की और फिर मैंने कहा चलो क्यों ना जी अपना एक क्लिप लिया जाए। आज तो मैं कुछ बहुत ही प्यारा लग रहा हूँ खुद को, मुझे अपना ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे इसी तरह के बड़े प्यारे नियॉन से और वाइब्रेंट कलर, ब्राइट कलर्स पसंद हैं यार। ये इयररिंग्स, मतलब पिक्चर में मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, मुझे बहुत पसंद आए। मैंने ही अरूज को गिफ्ट किए थे और मेरे ड्रेस के साथ बड़े सूट कर रहे थे, तो मैंने कहा तेनू सूट कर दा तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना ये पहनूं यार, बड़ा ही मज़ा आ रहा था, दिन हमारा बड़ा अच्छा गुजरा। और फिर हम लोग पहुँचे सफ़ायर पे, गुल अहमद पे, खाला को कुछ रेडीमेड ड्रेसेस लेने थे और मम्मा को भी काफ़ी कुछ शॉपिंग करनी थी ड्रेसेस की, और खाला को बाकियों के लिए भी चीज़ें देखनी थी, गिफ्ट्स वगैरह यू नो। और उसके बाद हम लोग पहुँचे रात को कहीं बहुत घूमी घुमाई के बाद लारी अड्डा, जो कि है I-8 मरकज़ में। यू हैव टू कम हेयर, मज़े करने के लिए बड़ा ही
पिक्चर्स के लिए, वीडियोज़ के लिए बड़ी अच्छी वाइब आती है, जैसा कि मैंने लास्ट ईयर में भी यहाँ पे व्लॉग बनाया था अपने मामू मामी और बहन भाइयों के साथ। और जी मैं अपनी पिक्चर्स और क्लिप्स लेते हुए मैंने कहा आज वॉइस ओवर किया जाए जी, इन्ना अरसा हो गया सी गलबात नहीं की। ज़रूर मेरे लिए यार पॉजिटिव कॉमेंट्स करो, क्योंकि मैंने थोड़े पॉजिटिव कॉमेंट्स दी और तड़े बहुत सारे लाइक्स दी और कॉमेंट्स दी, बहुत नीड है। और इतने जी लिशा साहब थक गए सन, तो खाला दे नाल लग के रेस्ट कर रहा हो यार, बड़ा ही इरीटेट करता है उन्होंने, जैसा कि तुम व्लॉग से देखते रहते हो। और ये वॉल तो सबको बहुत पसंद आ गई थी, इसमें मेरी खाला का नाम भी लिखा था, पप्पू यार तंग ना कर। और क्या ही डेकोर है इनका, मतलब वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। मतलब सीरियसली यार, कुछ ड्रेस हो, लोकेशन हो, चाय हो, खाना पीना हो, ऐसा होना चाहिए कि आपके दिल से खुद ब खुद निकले जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। और मैंने कहा जी यार अपने बेलियों को जो है वो, बेली वैसे किसको कहते हैं मुझे नहीं पता, बट गाइस को जो है ना वो पूरा मेन्यू दिखा दिया जाए लारी अड्डे का। यार यहाँ पे बहुत कुछ है, आपको खाना भी मिलेगा, डिनर भी मिलेगा, लंच भी मिलेगा, और आपको ब्रेकफास्ट भी मिलेगा, हांडियाँ मिलेंगी आपको, फुल पंजाबी देसी सिंधी एंड मिक्सचर मिलेगा आपको। और मैंने पूरे ही आराम आराम से इसका जो है वो वीडियो क्लिप बनाया ताकि आप लोग स्क्रीन शॉट ले सको। और कबाब्स भी हैं, बारबेक्यू भी है, टिक्का भी है, बारबेक्यू में ही आता है, और हांडियाँ भी हैं फैमिली के लिए और टू पर्सन्स के लिए, और पर पर्सन के लिए भी चीज़ें हैं। और हम लोगों ने भी पराठे और चाय ऑर्डर किया था, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी हैवी खा के आए हुए थे, बट क्योंकि घूमने फिरने के बाद हमारे अंदर चाय तो हमें पीनी होती है ना, तो चाय के साथ कुछ ना कुछ तो चलता ही है। तो सो हमने आलू के पराठे ऑर्डर किए थे और सब बस नींद में थे, सब बहुत थके हुए थे, बट हमें बड़ा मज़ा आया यार। जहाँ चाय होती है ना वहाँ बड़ा दिल मेरा ना मतलब धक धक होना शुरू हो जाता है, और मेरे अंदर और ज़्यादा एनर्जी आ जाती है और मुझे बड़ा मज़ा आता है। आप भी इसी तरह लाइफ को इंजॉय किया करें, चाय को तो इंजॉय करना बनता ही है ना यार। आजकल चाय पे बड़े सवालात उठ रहे हैं कि तुम लोग चाय बहुत पीते हो। यार दो टाइम की चाय पीते हैं हम लोग, बीच में मिल जाए तो कोई मसला ही नहीं है। और जी एलिशा साहब एक्टिंग कर रहे हैं कि मैं सो रहा हूँ, मैं बड़ी दूर से ड्राइव करके आया हूँ, वो जैसे बहुत लॉन्ग ट्रैवल के बाद आपको ढाबे नहीं मिलते रेस्टोरेंट्स और रस्ते में, वो इस तरह की एक्टिंग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने जब कराची जाना है ना तो मैंने पहले इस रेस्टोरेंट से होकर फिर मैंने निकलना है अपने रूट पर। तो जी मैंने कहा लास्ट टाइम हम लोग जो है वो कॉर्न्स भी इंजॉय कर लें। हम लोगों ने मम्मा की कुछ मेडिसिन लेनी थी, वो लेने के बाद लाइक करना मत भूलिएगा, जल्द ही मिलते हैं, साथ रहिए।